से चाइना में जो है क्लोथिंग की पाकिस्तान में बरामदात की कोई इतनी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती कि हमारे पास जो ज़रई मसनूआत हैं उन पर मज़ीद काम करना चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। पाकिस्तान को टिड्डियों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को 12 DJI T-16 प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन अतिया किए। हम मार्केट का रिवायती मॉडल तोड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियों के खाम माल को कुदरती असली एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमारा कारोबार 3 माह कबल की निस्बत बहुत बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता आम ऑपरेटिंग ट्रैक पर वापस आ रहा है। पाकिस्तानी तिब्बी आलात चीन बरामद करने के काफी इम्कान हैं। नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदेद। मैं हूं आपकी मेजबान नसरी। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज्जज मेहमान तशरीफ लाए हैं, जनाब कामरान रसूल जो वॉक्सवैगन ग्रुप चाइना में क्वालिटी मैनेजमेंट से मुंसलिक हैं, और जनाब मोहम्मद अमार जो कि बीजिंग ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज एसोसिएशन में कमिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। पाकिस्तान के अदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2019-2020 में पाकिस्तान के तजारती खसारे में नुमाया तौर पर 231.83 अमरीकी डॉलर तक कमी हुई। इसकी बदौलत इस साल वबा की सूरत हाल में भी पाकिस्तान बरामदात में कमी को 6% तक कंट्रोल करने में कामयाब रहा। चीन की गैर मुल्की तजारत ने भी अच्छे नतायज हासिल किए, क्योंकि साल की पहली छमाही में गैर मुल्की तजारत की मजमू कारकर्दगी तवक्को से बेहतर थी और जून में दरामदात और बरामदात दोनों ने इस साल पहली मुस्बत नमू हासिल की। चीन की बरामदात अप्रैल से मुसलसल तीसरे महीने में भी बढ़ गई और जून में दरामदात में 6.2% इजाफा हुआ। जबकि चीनी मुआशरे में चीनी मसनूआत की मुसाबकत पर एतमाद हर जगह देखा जा सकता है। बहरहाल चीनी मसनूआत अब भी बैरून मुल्क बहुत मकबूल हैं और आमतौर पर ज्यादा मुतासिर नहीं हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर मुल्क इस शोबे में बेहतरीन काम कर सकता है तो ये बरामदात में एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की निस्बत दीगर मुल्कों में वबा के असरात ज्यादा संगीन हैं, इसलिए वहाँ खपत यकीनन मुतासिर होगी। चीन में वबा की रोकथाम और कंट्रोल की सूरत हाल में बेहतरी आई है और चीन ने कारोबारी इदारों को काम और पैदावार को दोबारा शुरू करने की हौसला अफजाई में पेशकदमी की है। वबा के दौरान शदीद मुतासरा शोबों में बरामदी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज शामिल हैं। मेड इन चीन की जमानत के लिए चीन का मुजवजा रद्दअमल बरामदात से मुकामी फरोख्त में मुंतकली है। मकामी इस्तेमाल के नुक्ते नजर से देखा जाए तो मकामी मार्केट की तलब में तेजी आ रही है, जो बरामदी सनतों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आलात, लाइट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कपड़ा और ज़रई मसनूआत को मकामी मार्केट फराहम करती है। हर साल फरवरी में रोस्टेड ईल, बरबूत मछली की बरामद की फरोख्त का मौसम अरूज पर होता था, लेकिन अचानक वबा ने असल मंसूबे को मुतासर कर दिया। वबा के दौरान ई कॉमर्स न सिर्फ एक अहम चैनल है बल्कि वाहिद चैनल है। क्योंकि गैर मुल्की तिजारती ऑर्डर्स नहीं हैं, इसलिए कारोबारी इदारों पर बहुत दबाव है, लिहाजा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दरअसल बरामद करने के लिए तैयार करदा मसनूआत फरोख्त करते हैं। कुछ साल पहले रोस्टेड ईल मसनूआत की कीमत 200 से 300 युआन फी किलो थी, जो चीनी सार्फीन को रोक देती। ताहम इन दो सालों में चूंकि चीन की घरेलू आमदनी में इजाफा हुआ है और इसकी अफजाइश की लागत में कमी की वजह से रोस्टेड ईल की कीमत गिरकर आधी रह गई है। चीनी कंपनियों को मुल्की मार्केट में वसत के मौके फराहम किए हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स ने मुल्की मार्केट पर तवज्जो मरकूज करने के लिए रोस्टेड ईल कंपनियों की हौसला अफजाई भी की है। पिछले साल हमने मुल्क के अंदर सिर्फ 10 टन माल बेचा, लेकिन इस साल की पहली छमाही में हमने तकरीबन 20 टन माल फरोख्त किया। ताहम बरामदात से मुल्की फरोख्त में तब्दीली हमवार मुंतकिली नहीं है। गैर मुल्की तजारती कारोबारी इदारों में चीन की मुल्की मार्केटिंग के तजर्बे की कमी है और बैरून ममालिक उन्हें मुख्तलिफ मायार और मार्केट के कवायद का सामना होता है। मुअस्सर मुल्की तलब में इजाफे के जरिए मुल्की फरोख्त में मुंतकिल करदा मसनूआत की एक बड़ी तादाद को जज्ब करना चाहिए। ये सब चीनी हुकूमत और मार्केट के लिए इम्तिहान है।
बरामद से मकामी सतह पर फरोख्त में मुंतकली का ताकुब करने की जल्दी नहीं है। इसके लिए बहुत से बुनियादी काम करने हैं, जैसे मार्केट रिसर्च, एंटरप्राइज पोजीशनिंग और आला मायार की मसनूआत की तहकीक और फिरोग वगैरह। दो निकात में खुलासा बयान करें तो एक है लागत का इनपुट और दूसरा इसका खतरा है जो उन्हें मोल लेना पड़ता है। कोविड 19 के मुकाबले चीन पहला हाफ खेलेगा जबकि दुनिया दूसरा निस्क खेलेगी। ताहम चीनी गैर मुल्की कारोबारी इदारों को पूरा खेल खेलना है और मुमकिन इजाफी वक्त का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि महाज गैर यकीनी है, लिहाजा अपनी सलाहियत को बेहतर बनाना वाहिद यकीनी बात है। इंटरप्राइज या मुल्क से कतअ नजर मुस्तहकम रहना ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान के माली साल 2019 और 20 के जो तिजारती अदाद शुमार से पता चलता है कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामद गुंदा मुल्क है और उनकी जो बरामदात की मालियत है 3.5 अरब अमरीकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान हर साल चीन के लिए सिर्फ 1.5 अरब अमरीकी डॉलर की चीजें बरामद करता है। तो इस फर्क की बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखने के लिए पहले ये जरूरी है कि हम ये देखें कि कौन से ऐसी मसनूआत हैं जो पाकिस्तान बरामद कर रहा है। तो अगर आप जायजा लें पहली टॉप 10 मसनूआत में, तो उसमें जो पहली 5 मसनूआत हैं वो सारी क्लोथिंग से रिलेटेड हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना में जो है क्लोथिंग की पाकिस्तान में बरामदात की कोई इतनी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती, जबकि चाइना जो है वो और दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड है, जैसे कि कॉपर है, फॉसिल फ्यूल्स एंड सो ऑन। इस पाकिस्तान के लिए जो इस खला के लिए कौन सी मुतबादिल मसनूआत को तैयार करना होगी? क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल उसी तरह से जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एज अ यू नो ऑफशोर आउटसोर्स हब है बहुत से मुमालिक के लिए जैसे यूएस और कनाडा। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो ऑलरेडी हमारे पास जो ज़रई मसनूआत हैं उन पर मज़ीद काम करना चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इस वबा के दौरान इंक्रीज किया जाए और इस वबा से किस तरीके से निपटा जाए। चीन की जानिब से पाकिस्तान की डीडीओ को खनफो के सामान में कुछ नई मशीनें दी गई हैं। इस सिलसिले में पाक चाइना ट्रेड की रिपोर्ट देखिए। हम मुकम्मल तामीर शुदा प्रोजेक्ट के वीडियो डिस्प्ले के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन के जरिए डिलीवरी, ट्रैफिक पुलिस बाज़ औक़ात ड्रोन इस्तेमाल करती है। आतिशबाजी करने वालों की निगरानी, जुग्राफियाई सर्वे परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रई पैदावार की सूरत हाल जांचना, कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव। चीन के सूबे यूननान में टिड्डी दल कंट्रोल के दौरान कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। जून के आखिर में चीन के जनूब मगरबी सूबा यूनान के पुआर शहर और सिचुआन पन्ना ताई खुद मुख्तार प्रीफेक्चर में बांस के दरख्तों पर टिड्डी दल का हमला हुआ। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हवाई और जमीनी छिड़काव का इम्तिजाज इस्तेमाल किया गया और इसके काबिले जिक्र असरात सामने आए। टिड्डी दल पर कंट्रोल और गिजाई तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए 23 जुलाई 2020 को चीन की वजारत ज़राअत और देही अमूर ने सरकारी तौर पर चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने में वजारत बराए कौमी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ऑफ पाकिस्तान को 12 DJIT-16 प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन अतिया किए। टिड्डी दल पर कंट्रोल के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बेहतरीन है। जब तक हमारे पास ताकत है हम उनकी मदद करेंगे, खास तौर पर पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इससे कबल अपने तमाम अस्पतालों के इन्वेंट्री मास्क चीन को अतिया किए थे। जब उसे मुश्किल का सामना है तो चीन भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। इससे कबल मुख्तसर मुद्दत
का इंतखाब किया। इससे पहले पाकिस्तानियों को टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ खदशात थे। वो बुनियादी तौर पर निगरानी और इब्तदाई वार्निंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन पौधों को तहफ्फुज और छिड़काव के लिए इसका इस्तेमाल कम था। उनका ख्याल है कि ड्रोन में अभी भी कुछ खामियां हैं। उनकी सबसे बड़ी तशवीश ये है कि प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन की बैटरी लाइफ कम है, जिससे छिड़काव वाला इलाका मुतासिर हो सकता है। दरहकीकत चीन में इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ठोस बुनियादों पर तैयार की गई है। इसमें बैटरी प्लग इन किस्म की है। ड्रोन बराह रास्त नई बैटरियां तब्दील करके उड़ान जारी रख सकता है, जैसे लोग काम के दौरान पानी पीते हैं। रिचार्जिंग और मुतबादल बैटरियां दोनों ही बहुत आसान है। कीड़े मार अद्वियात के कम लोड के हवाले से भी तशवीश है। वो तकरीबन 5 से 10 लीटर कीड़े मार अद्वियात लोड करने की सलाहियत के हामिल ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे ड्रोन 16 लीटर कीड़े मार अद्वियात लोड कर सकते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दर हकीकत ब्रांड की प्रमोशन के इब्तदाई मरहले में भी हमें ऐसे सवालात का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन जारी करने के पहले साल में आलमी इन्वेंट्री सिर्फ 2500 यूनिट थी, लेकिन इस साल हमने 30,000 यूनिट फरोख किए हैं। लोगों को प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन के फवायद और कारकर्दगी को तस्लीम करने में वक्त लगता है। ड्रोन से स्प्रे बहुत ही करामत तरीका रहा है। उसमें ड्रोन की जो पेस्टिसाइड स्प्रे का जो मरहला है, उसमें हम एक पाकिस्तान में जो वजारत ज़राअत के एक्सपर्ट्स और उनके जो इंजीनियर हैं, उनके थ्रू हम ये उसको स्प्रे करके टिड्डियों पे कंट्रोल पा सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो बेहतरीन एक और भी तरीका ये सोचा जा सकता है कि इन टिड्डियों को उसी वक्त खत्म कर दिया जाए जब इनकी जो है ब्रीडिंग सीजन होता है, जिसमें ये जो है ये अपने अंडे देती हैं और उसमें से फिर इनके जो है ना मल्टीप्लीकेशन होती है और ज्यादा टिड्डियां पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सी पैक मेड। कोविड-19 के अचानक हमले ने पूरी कौम की जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए बड़ा इम्तिहान लाया है। लोगों में सेहत से मुतालिक शऊर में बेहतरी के साथ साथ सेहत से मुतालिक मसनूआत की खपत एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। मिसाल के तौर पर वबा के बाद पहले 18-6 साल शॉपिंग फेस्टिवल की मिसाल लें तो गजाइत और सेहत से मुतालिक तमाम मसनूआत की फरोख का हजम रिकॉर्ड तोड़ रहा। खसूसी तिब्बी गजाई अशिया के कारोबार में 3,000 से ज्यादा गुना इजाफा हुआ है और एंटी ऑक्सीडेंट के जमरे में कारोबार में 17 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और ब्लड शुगर की बाकायदगी के लिए सेहत की निगहदाश्त की मसनूआत के कारोबार में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4 गुना इजाफा हुआ। प्रोबायोटिक्स और विटामिन मादनी मसनूआत के कारोबार में बेतरतीब 10 और 9 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। वबा के बाद के दौर में रिजाइयत और सेहत से मुतालिक मसनूआत के लिए मौके और चैलेंजेस दोनों मौजूद हैं। इस वक्त चीन के रिजाइयत से भरपूर और सेहत बख्श खाने तब्दीली और एडजस्टमेंट के अहम दौर से गुजर रहे हैं और आम खाने की रिजाइयत तवज्जो का मरकज बन गई है। हम मार्केट का रिवायती मॉडल तोड़ रहे हैं। अब हम बुजुर्गों, पेशावर अफराद, खेलने कूदने वाले अफराद, माओं और बच्चों के लिए गिजायत बख्श खाने तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिनियाती जांच और पेशगोई के जरिए हमने ऐसी मसनूआत तैयार की हैं जो गिजाई तवाजुन, गिजा के जुज्वे बदन बनने, जिस्मानी दिफा और जिस्मानी कुव्वते मुदाफियत को बेहतर बनाती हैं और लोगों को अद्वियात महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रहनुमाई फराहम करती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और खाम माल बैन अल्कामी मयार के मुताबिक होने के साथ साथ सार्फीन रवायती खाम माल का भी खैर मकदम करते हैं। इस मकसद के लिए हमने बीजिंग के मुतअद्दिद शहरियों का इंटरव्यू किया। मैं अब भी कुछ कुदरती अज्जा वाली मसनूआत का इंतखाब करूंगी। कुदरती मसनूआत बहरहाल महफूज और ज्यादा काबिले भरोसा है। मेरा ख्याल है कि आम खानदानों के लिए काबिले कबूल गजा जैसे शहद वगैरह ये बहुत अच्छी है। हम तवक्को करते हैं कि मुस्तकबिल में जड़ी बूटियों की दवाई जैसे रवायती अनासर को सेहत से मुतालिक मसनूआत में बेहतर तौर पर फरोख और इस्तेमाल किया जा सकता है।
जड़ी बूटियाँ अक्सर मुख्तलिफ शोबों में दिखाई देती हैं और मुख्तलिफ किरदार अदा करती हैं। जड़ी बूटियों के खाम माल के सेहत के असरात पर अंदरून और बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर तहकीकात की गयी और तहकीकी नतायज की बुनियाद पर मुतनासिब गजाएं या सप्लीमेंट्स तैयार किए गए, जिनके फवायद में जहनी तनाव में कमी, नींद में मददगार और एंटी ऑक्सीडेशन ज्यादा मकबूल है। ये अफआल जदीद साइंसी तहकीक के बुनियाद पर मबनी है। आला दर्जे की टेक्नोलॉजी के मुस्तकिल बुनियादों पर सामने आने के साथ साथ फूड एडिटिव्स के हवाले से ज्यादा जड़ी बूटियों के खाम माल को कुदरती असली एडिटिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मस्नूई एडिटिव्स जैसा कि रंग रोगन मसाले और खुराक को महफूज बनाने वाले अज्जा से छुटकारा पाया जा सके। बेल्ट एंड रोड ममालिक के नुक्ता नजर से देखा जाए तो एशियाई ममालिक की गजाइत से भरपूर और सेहत बख्श गजाएं दर हकीकत बहुत मुनफरिद नोयत की हामिल हैं। रवायती खानों, पौधों के अर्क, दवा से मुतालिक कुछ रवायती मसनूआत इनके गजाई सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात भी इन मसनूआत की बैनुल अक्वामी गर्दिश को कमजोर बनाते हैं। जब चीनी कंपनियां दूसरे ममालिक में मौजूद कंपनियों के साथ राबते और तआवुन करती हैं तो इनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पहले इनके मेयार और इनके तस्लीम करदा निजाम समेत मजमूई मकामी रेगुलेटरी निजाम को समझें और फिर बेहतर तौर पर अपनी मसनूआत को इनके निजाम में जम करें या कुछ मखसूस फार्मूलों में तरमीम करें। दोनों के माबैन बाहमी इत्तेहाद मुस्तकबिल की मुश्तरका तरक्की की जमानत है। मैं बड़े शहरों में तो मेडिकल स्टोर से लोग वो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन है। कभी ऐसा होता है जब डॉक्टर्स बताते हैं कि यू हैव सम डेफिशिएंसी, तो लोग जाके वो परचेज कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे शहर और देहात हैं वहां पर जो है वो लोग जो है अपने नेचुरल तरीकों से, मतलब फल फ्रूट मेवाजात और जड़ी बूटियां, इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और जिस तरह के चाइना की जो जड़ी बूटियां हैं या जो चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनके मशरूबात बनाए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों में शुगर की दवा अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है और खाने पीने की चीज़ों में अद्वियात में जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे गुलाब से, गुलाब का जो फूल है उसके पत्तों से हम गुलकंद बनाते हैं जो कि पेट की बीमारियों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और इसी तरह कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे हम मशरूबात जो बनाते हैं वो पाकिस्तान में जिन इलाकों में बहुत गर्मी पाई जाती है उन इलाकों में इन मशरूबात को अक्सर और बेशतर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। रवा साल के आगाज में अचानक कोविड 19 वबा ने चीन में मौजूद मुतअद्दिद पाकिस्तानी कंपनियों को मुश्किल में डाल दिया। सवाद सर्जिकल के सदर मोहम्मद साबिर जान ने चाइना इकोनॉमिक नेट के साथ हालिया इंटरव्यू में इस वबा के इब्तदाई दिनों की मुश्किल सूरत हाल को याद किया। हम पाकिस्तान से डेंटल सर्जिकल आलात तैयार करने की कंपनी हैं और चीन की साबिका स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौजूदा नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड पहली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। माजी में कंपनी चीन में एक साल में 10 से ज्यादा नुमाइशें मुनाकिद करती थी, लेकिन इस साल सभी मौखिर या मनसूख कर दी गयी। इससे भी बदतर ये कि कंपनी ने दांतों के क्लिनिक्स के साथ तमाम कारोबारी रास्ते मुअत्तल कर दिए और वबा के दौरान कारोबार रुक गया था। इसके साथ साथ कंपनी पर बेतहाशा दबाव पड़ा है क्योंकि इसे अब भी मुलाजमीन की तनख्वाहें, इंश्योरेंस, गोदाम और दीगर अखराजात की अदायगी जारी रखनी है। वबा के दौरान मैं रोजाना अपने बच्चे के साथ घर पर रहती थी। मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दांत बहुत खराब हैं, लेकिन मैं इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं बहुत घबरा गई। मेरे दांत खराब हो गए थे और दर्द था। मैं डॉक्टर से मिलना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि मुशावरती कमरा गैर महफूज है। अब क्लिनिक बाकायदगी से डिस इंफेक्ट किया जाता है। जब भी मैं अंदर जाती हूँ जरासीम कुछ दवा की बू आ रही होती है। अब मरीज उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक कि उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट न ली हो। तरीकेकार मजीद मियारी और एहसास अच्छा है। इस वक्त वबा के लाए जाने वाले असरात आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। मोहम्मद साबिर जान का कहना है कि वो एक तरफ रसद में मुश्किलात पर काबू पाने के तरीके ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ
वो दबाव कम करने के लिए दूसरे कारोबार बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का डाला था। वबा के दौरान चीन ने पाकिस्तान को बड़ी इमदाद फराहम की, लिहाजा जब भी पाकिस्तान इमदाद के लिए चीन में जहाज भेजता है, हम तैयारों पर चीन के लिए तिब्बी आलात लोड करने की दरख्वास्त करते हैं ताकि नकलो हमल का दबाव दूर किया जा सके। ताहम माल बरदार अखराजात 360 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मामूल से 3 गुना ज्यादा हैं। अब हम अपने रोजमर्रा अखराजात पूरा करने के लिए चीन, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को फेस मास्क, 4 हेड थर्मामीटर और जरासीम कुश अद्वियात जैसी मसनूआत भी बरामद करना शुरू कर रहे हैं। मोहम्मद साबित जान ने इकोनॉमिक डेली चाइना इकोनॉमिक नेट को बताया कि रवा साल वबा के बड़े असरात के बावजूद वो चीनी मार्केट के हवाले से पुर उम्मीद हैं। इन चाइना आई हैव अराउंड चीन में कारोबार हमारे टोटल बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चीन के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में हमारे पास 10 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। खुशकिस्मती से चूंकि चीन में वबा पर जल्दी काबू पा लिया गया है, इसलिए अब हमारा कारोबार 3 माह कबल की निस्बत बहुत बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता आम ऑपरेटिंग ट्रैक पर वापस आ रहा है। पाकिस्तानी सर्जिकल आलात चीन बरामद करने के लिए ये एक अच्छा वक्त होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के दौर में मालूमात का तबादला आसान है और इन आलात के फवायद की तशहीर आसान है। इनके ट्वीजर्स मायारी और अच्छे होते हैं, इससे आम लोगों की तिब्बी अखराजात की बचत हो सकती है। मैंने एक बार पाकिस्तानी सर्जिकल आलात इस्तेमाल किए थे, वो मेयारी और ब्लेड बेस रेजिडेंट हैं। सरबराह खसूसी तौर पर पाकिस्तानी सर्जिकल आला खरीदने के लिए हमें नुमाइशों में ले जाया करता था। पाकिस्तानी तिब्बी आलात अपने डिजाइन में ज्यादा हल्के हैं और आला मेयार के जामिन हैं। मुझे उम्मीद है कि आलात खरीदने के लिए और चैनल भी सामने आएंगे बजाय इसके कि इसे नुमाइश से ही खरीदें। पाकिस्तानी तिब्बी आलात चीन बरामद करने के काफी इम्कान हैं। मेरी तजवीज है कि चीन और पाकिस्तान के माबैन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ मुतालिका तंजीमों के जरिए तशहीर और तबादलों को फरोग दिया जाए और सेल चैनल बढ़ाए जाएं। इस साल के हदफ के बारे में बात करते हुए मोहम्मद साबित जान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रवा साल तजारती हजम 10 लाख अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। मैं रवा साल मजीद चीनी सूबों और शहरों खुसूसन सिंकियांग सूबे में कारोबार बढ़ाने के लिए पुर उम्मीद हूँ, क्योंकि ये खास जुग्राफियाई महल वकूह का हामिल है जो पाकिस्तान और वस्ती एशिया के मुतअद्दिद ममालिक जैसे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को मिलाता है। इसमें तरक्की की बड़ी सलाहियत मौजूद है। शिनजियांग उस लिहाज से तो अच्छा च्वाइस है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे चाइना का एक पहला बड़ा शहर है। और एक और बात मैं ये कहूँगा कि साथ ही साथ अगर जो ऐसे ताजर हसरात जो चाहते हैं कि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलें, चाइना का जो लॉ है वो बहुत ही कंप्लीट लॉ है। सो उसमें ये कि वो अपने साथ एक किसी ऐसे चाइनीज एम्प्लॉय को या वर्कर को रखें जो लॉस को समझते हुए जो है ना उनको बेहतरीन से बेहतरीन मशवरा दे सके और बेहतरीन गाइडेंस फराहम कर सके, ताकि वो चाइना के लॉस से पूरा फायदा उठा सके। उसमें टैक्सेशन भी आ जाती है, उसमें लॉजिस्टिक्स भी आ जाती है। नाज़रीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अपनी मेजबान नसरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।